मेरा नाम प्रशांत गुप्ता है। ये प्राइवेट मार्केट है और इस प्राइवेट मार्केट में ये लोग जो है बाहर ठेले लगवाते हैं और ये कहते हैं उसके बाद कि आप लोग यहाँ पे बंद करो। इसका मतलब तो ये हो गया आप लोग ठेले रोड पे क्यों, ठेले से जाम नहीं है, सिर्फ मार्केट की दुकानों से जाम है। एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, नगर निगम इस पे जबरदस्ती काबिज होना चाहता है, वो कभी नहीं होने देंगे। ये नगर हम सारी मार्केट मेरा ले गए, गुप्ता जी का ले गए, उधर नगर निगम की तानाशाही नहीं चलेगी बिल्कुल भी। उन्होंने खुद डलवाई है ये सड़क हमारे ठेले लगवाते हैं ये लोग, ठेले लगवा के और कहते प्रशासन ठेले लगवाता है, साप्ताहिक की बाजार भी यहीं पे लगवाते हैं इसी मार्केट में जुमरात वाले, ये लोग मिलके यहाँ पे साप्ताहिक बाजार लगाते हैं। पैसा जाता है नगर निगम खाता होगा, जो खाता होगा प्रशासन खाता है, हमें क्या मतलब। यहाँ पे इसी भाई साहब वालों ने दसवीं बार कंप्लेन, इस मार्केट के अंदर बृहस्पति बाजार लगती है जिसमें प्रशासन को सबको मालूम है, प्रशासन आज तक इस मार्केट के जो ठेले वाले हैं उनको हटा नहीं पाया और हम लोगों को यहाँ जबरदस्ती हटाते हैं। ये हम पे चढ़ाई हो रही है। मोहम्मद जावेद खान, किशन भाई का भाई साहब, हर बार कंप्लेन हम लोग खुद कराते हैं, ये आगे ठेले वेले लगते हैं यार, कभी आज तक ये नहीं हुआ है मार्केट में ये ठेले वेले हट जाए। इतनी बार हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, हर बार हुई, FIR तक हो गई है, कंप्लेन तक कराते कराते थक गए, सारे पोर्टलों पे कंप्लेन करा रखी, लेकिन किसी में भी कोई समाधान नहीं मिला। सामान जब उठाया तो आप लोग विरोध किया, क्या बोले अभी तो अभी ये कह रहे हैं कि अभी हम लेके आ रहे हैं, फोर्स लेके आ रहे हैं, ये करेंगे, इस वजह से हम लोग फिर मार्केट बंद करेंगे, क्या करेंगे, पिटना थोड़ी है। आपकी जो जगह है जो नगर निगम, ये प्राइवेट है, ये प्राइवेट है, इसके हमारे लोगों पास सारे पेपर है, सारे प्रूफ है सामने, इसमें ये सड़क, ये जो सड़क बनी थी इसका घोटाला दिया गया, इसका पैसा रुका हुआ, सरकारी नल जो लगा हुआ है वो इस मार्केट से अवैध है, वो भी उसका पेपर हमारे पास है, सब सारे पेपरों में आ चुका है कि इस मार्केट में अवैध कब्जे हो रहे हैं। ये रिफ्यूजी मार्केट है, ये यहाँ पे किसी का, ये पर्सनल मार्केट है, ये कोई किसी की वैसी मार्केट नहीं। ये अयूब खान से लेके ये कुतुबखाना चौराहे तक चलाया गया और ये अभियान इसलिए चलाया गया कि जनता को आने जाने में बहुत परेशानियां हो रही थी। इसके लिए नगर आयुक्त और मेयर साहब ने कहा कि जनता के लिए कोई परेशानी ना हो, फुटपाथ पे कोई सामान ना रखे, उसके लिए अभियान चलाया गया। नहीं, ऐसा विरोध नहीं करना चाहिए, ये तो फुटपाथ नगर निगम का है और नगर निगम के फुटपाथ पर अगर कोई सामान रखेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनका कहना है आप ये भी देख लें, वहाँ पर इंटरलॉकिंग नगर निगम ने बिछाई है और वो फुटपाथ है, किसी की प्राइवेट संपत्ति पे कोई इंटरलॉकिंग नगर निगम लगवा देगा? अब उनका कहना है
मैं तो सारे व्यापारियों से अनुरोध कर रहा हूँ, जितने भी शहर में व्यापारी हैं, अपनी दुकान के आगे कोई सामान ना रखने दें, कोई ठेला ना लगने दें, पूरे शहर का अतिक्रमण साफ हो जाएगा। हम लोगों को इतना मेहनत और प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ये आगे भी जारी रहेगा। और हर दूसरे दिन इस रोड पर सामान तो अब नहीं रखने देंगे फुटपाथ पर। मेरा नाम प्रशांत गुप्ता है, ये प्राइवेट मार्केट है और इस प्राइवेट मार्केट में ये लोग जो है बाहर ठेले लगवाते हैं और ये कहते हैं उसके बाद कि आप लोग यहाँ पे बंद करो। इसका मतलब तो ये हो गया आप लोग ठेले रोड पे क्यों, ठेले से जाम नहीं है, सिर्फ मार्केट की दुकानों से जाम है, ऐसा क्यों? हाँ सामान उठा कर ले जा रहे हैं, जब हम कह रहे हैं तो बोलो हम तुम्हें बंद कर देंगे। सबका सामान उठा उठा के यहाँ ले जाते हैं और ये प्राइवेट मार्केट है, इस मार्केट के अंदर किसी का हक नहीं है कि उठा के सामान लेके चल दें। ये गोल मार्केट। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।